एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस नेस्ट। मैं रूबी सेन। टुडे इज क्वारंटीन डे 3। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक पनीर की रेसिपी जो मैंने वेक्सफर्ड में बनाया था। वेरी सिंपल रेसिपी है एंड फॉर द बिगिनर्स हैं। सो चलिए देखते हैं मैंने कैसे ये रेसिपी बनाया है। 1 लार्ज अनियंस, 4 to 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक एंड जिंजर विथ ग्रीन चिली और रेड चिली, उसको ग्राइंड कर लें। मिक्सिंग बोल में पनीर के साथ मैश्ड पोटैटो ऐड करें और 5 इंडियन स्पाइसेस भी ऐड करें, लाइक जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। छोटे छोटे बॉल्स बनाएं और बॉल्स के अंदर एक एक रेजिन्स डाल दें, किशमिश। फ्राई करते समय अगर बॉल्स टूटने लगे तो उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड करें। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो बेसन ऐड कर सकते हैं, बट वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ बेसन ऐड करें। बॉल्स को डीप फ्राई करें। जब बॉल्स का कलर ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल के अलग रख लें। अब उसी ऑयल में थोड़ा सा खड़ा जीरा डालें और जब क्रैकल करने लगे तो उसमें जो मसाला हमने ग्राइंड किया था उसे ऐड करें। अच्छे से मिक्स करें। देन ऐड टर्मरिक पाउडर, मिक्स इट वेल। जब मसाला फ्राई हो जाए तो उसमें इंडियन स्पाइसेस ऐड करें, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एंड टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी के अलावा आप स्लाइस टोमेटो भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स इट वेल। जब मसाला पूरी तरह से भुन जाए देन यू कैन ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अगेन मिक्स इट वेल। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और ऑयल रिलीज करे तब इसमें वाटर ऐड करें, हॉट वाटर। पानी जब अच्छी तरह से उबलने लगे तो इसमें पनीर के बॉल्स ऐड करें। बॉल्स ऐड करने के बाद 5 मिनट्स तक इसे हाई फ्लेम में कुक करें। एट लास्ट इसमें ऐड करें गरम मसाला पाउडर एंड योर डिश इज रेडी टू सर्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।